मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित होने पर बधाई दी और कहा कि आप समानताएं देखिए कि पीएम मोदी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ओर से सम्मान मिल रहा है और पीएम मोदी विकास के नए आयाम रच रहे हैं, इसलिए उन्हें सम्मान मिल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस पर गृह मंत्री ने उन्हें बधाई भी दी। पूरी कांग्रेस सड़क पे आ गई है साहब, दिग्विजय सिंह की बात नहीं करो आप। ये सबरे तीनों प्रदेश अध्यक्ष मिलके मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी को हटाने के चक्कर में, इसीलिए गौडसे जैसे मुद्दे आते हैं, इसलिए कांग्रेस से हटके किसान को बनाई जाती है। मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं कि अगले चुनाव तक कांग्रेस नहीं रहेगी, कोई तीसरा फ्रंट आएगा चुनाव लड़ने के लिए। इमरान खान को जानते हैं आप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को? क्यों है? अब इस पर शायरी भी नहीं बोल सकते, नजर स्टैंड गन की बंदूक गड़ा के फिर कहते हैं नजर की हर जगह नजर है। पूछो अब, ठीक है कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऊर्जा एवं पर्यावरण अवार्ड मिल रहा है। आप समानताएं देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा पर्यावरण और विश्व के क्षितिज पर एक ऐसा उभरता हुआ व्यक्तित्व सौभाग्य से भारत देश को मिला है, जो नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। आज वो संबोधन भी देने वाले हैं, मैं उनको पूरे देश की, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी, उनका जन्मदिन है और ये भी एक संयोग है, आज पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री जी को। आज वृक्ष, हालांकि वृक्ष शिव के ही प्रतीक हैं, भगवान शंकर के, शिवराज जी प्रतिदिन एक वृक्ष लगा रहे हैं, आज भी अभी विधानसभा में लगाने वाले हैं। उनको जन्मदिन की कोटि से शुभकामनाएं है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने कृतित्व के माध्यम से प्रदेश के अंदर कीर्तिमान स्थापित किए, रिकॉर्ड कायम किए, जितने महीने लोग सरकार नहीं चला पाए उतनी साल से सरकार चला रहे हैं। एक सेवा का नया उदाहरण प्रस्तुत किया, एक जनता के बीच में विश्वास पैदा किया, चार बार मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान, लगातार 14 साल मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान, नए इनोवेटिव आइडियाज जो नए आते हैं, उस आइडिया लेने में पूरे देश ने अंगीकार और स्वीकार किए, चाहे वो हमारी तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे हमारी संबल की योजना हो, एक नहीं अनेक, चारों कार्यकाल को अगर आप देखो तो पहले कार्यकाल में इस सड़क में गड्ढा था, या गड्ढों में सड़क थी, या गड्ढम गड्ढा था, पता ही नहीं चलता था। आज हमारी सड़कें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश। दूसरे कार्यकाल में फीडर सेपरेशन प्रधानमंत्री ने जो गुजरात में किया था, वैसा मध्य प्रदेश में करके गाँव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तीसरे कार्यकाल में नहरों का ऐसा जाल बिछाया कि 7 लाख हेक्टर से बढ़ के 45 लाख हेक्टर जमीन को सिंचित कर दिया। ये चौथा कार्यकाल है और इस कार्यकाल में भी आप कीर्तिमान गढ़ना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। एक बीमारू राज्य को विकासशील राज्य और विकासशील राज्य को विकसित राज्य बनाने की परिकल्पना है, उसको मूर्त रूप देने वाले। We'll be right back.